मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भीकचंद गली में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस फायरिंग में बसंत लाल वे नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फायरिंग में हत्या की सूचना पाकर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। लोगों के विरोध के चलते आरोपी से पिस्टल मौके पर छूट गई। बताया गया है देर रात व सुबह एक सब्जी विक्रेता के पुत्र व दो युवकों के बीच विवाद हुआ था। एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएसपी ने बताया थाना कोतवाली क्षेत्र के छत्ता बाजार में किसी विवाद को लेकर गोली चली है, जिसमें बसंत लाल नाम के व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद किस बात पर हुआ, परिजनों से जानकारी की जा रही है। जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार चतुर्वेदी। ये कहाँ का मामला है? ये सर बारी गली में बीचन गली का जो नुक्कड़ है, अथाई बैठी रहती है, वहीं का मामला है सर। दिन दहाड़े थाना कौन सा पड़ता है? थाना कोतवाली बंगाली का चौकी। क्या मामला हुआ सर? मामला तो कुछ नहीं, ये मालूम था कि आज सुबह थाना कोतवाली क्षेत्र में जो गोली गेट में इलाका है, वहाँ की सूचना आई कि कुछ विवाद के बाद वहाँ पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में व्यक्ति चतुर्वेदी जी हैं, जिनको गोली लगी है। हॉस्पिटल जाते समय उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त दो लोग, तीन लोग और भी घायल हैं, जिनको अन्य अस्पतालों में भेजा गया है। उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, हॉस्पिटल को और बाकी जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। घटना से संबंधित सभी पहलुओं को जानकारी की जा रही है, सभी एविडेंसेस जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही इस घटना का खुलासा हमारे पास। सर अभी तक वजह क्या निकल के आई है गोलियां चलने की? देखिए अभी अभी परिवारजनों से डिटेल में बात होगी। कोई विवाद की बात सामने आ रही है कि किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ है, उसके पहले क्या था या उस समय पर क्या हुआ, इस तरह की डिटेल होगी। अभी हमारे द्वारा, हमारे अधिकारियों द्वारा मौके से दी जा रही है और जल्द हम घटना के संबंध में पूरी जानकारी निकाल। क्या गिरफ्तारी हुई है? देखिए अभी इस संबंध में जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जैसे कि कार्रवाई होगी तो आपको।